पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस का शेड्यूल लीक हो चुका है और इस वक्त हम आपके सामने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस का शेड्यूल लेके हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि मैचेस जो है वो होने थे 13 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये मैचेस किस किस तारीख में किस किस शहर में और कब कब होंगे, प्रैक्टिस सेशंस कब होंगे और कराची और मुल्तान में किस तरीके से मैचेस होंगे और लाहौर और पिंडी में ये मैचेस कब कब शेड्यूल किए गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के जो मैचेस हैं उसका शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है और शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को तमाम टीमों को कहा गया है कि वो मुल्तान और कराची में रिपोर्ट करें, क्योंकि बयक वक्त कराची और मुल्तान में जो है मैचेस शुरू हो रहे हैं। 9, 10, 11 और 12 फरवरी को मुल्तान और कराची में प्रैक्टिस सेशंस शेड्यूल किए गए, लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मुल्तान में होगी, यानी कि 13 फरवरी को पहला मुकाबला वहां पर मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि जो दूसरा मुकाबला है वो 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा एक दिन के वक्फे के बाद। लेकिन टीमें जो है वो कुछ कराची में मौजूद होंगी, कुछ टीमें जो है वो मुल्तान में मौजूद होंगी। पहला मुकाबला मुल्तान में और दूसरा मुकाबला जो है वो कराची से शुरू हो रहा है। उसके अलावा 15 फरवरी को मुल्तान में मुकाबला है, उसके अलावा 16 फरवरी को कराची में है, 17 फरवरी को फिर मुल्तान में है, 18 फरवरी को फिर कराची में ये मुकाबले शेड्यूल है और 19 फरवरी को कराची और मुल्तान में दोनों जगहों पर ये मैचेस जो है वो खेले जाने हैं। शेड्यूल की अगर बात की जाए तो 20 और 21 फरवरी को कराची में, 22 फरवरी को मुल्तान, जबकि 23 और 24 फरवरी को पीएसएल के 11वां और जो 12वां मैच होगा वो कराची में खेला जाएगा और 25 फरवरी को आराम का दिन है, तमाम टीमें जो वो आराम करेंगी। उसके बाद 26 फरवरी को ये मैचेस जो है वो कराची और लाहौर में शिफ्ट हो जाएंगे, कराची में पहले से ही थे, फिर उसके बाद जो है वो लाहौर मैचेस जाएंगे। 27 फरवरी को जो है वो पीएसएल का 16वां मैच लाहौर में शेड्यूल किया गया और 28 फरवरी को फिर से जो है वो टीमें आराम करेंगी। 1 और 3 मार्च को रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे, वहां पर जो है मैचेस का आगाज़ होगा। 2 और 4 मार्च को जो है वो लाहौर मैचेस खेले जाएंगे, जबकि इसी शेड्यूल के मुताबिक 5 से 11 मार्च तक ये मैचेस जो है वो एक बार मुसलसल जो है वो फिर से रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर मैचेस का इनेकाद होगा। और फिर उसके बाद जो है वो 2 मैचेस एक ही दिन, जो मैं आपको बताऊँ, 7 मार्च को जो है वो रावलपिंडी में एक साथ पे भी खेले जाएंगे। उसके अलावा 12 मार्च को जो है वो मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में एक साथ बयक वक्त होंगे। 13 और 14 मार्च को जो है वो फिर से टीमों का जो है वो ब्रेक होगा, वक्फा होगा, क्योंकि उसके बाद प्लेऑफ मैचेस होने हैं। प्लेऑफ मैचेस का जो टाइम रखा गया है वो 15 मार्च की तारीख जो है वो रखी गई है, 15 मार्च को प्लेऑफ मैचेस जो है वो खेल जाएंगे। उसके बाद फाइनल मुकाबला आपको पता है कि 19 मार्च को लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेल जाएगा। तो ये वो तमाम तर शेड्यूल है टीमों की जो प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको बताया किस तरीके से वो तैयारियाँ करेंगे, किस तरीके से वो जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मैचेस होंगे। तो इब्तदा होगी मुल्तान से, जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मुल्तान में होगी, उसके बाद अगला मैच कराची में होगा, फिर कराची और मुल्तान में एक साथ मैचेस होंगे, उसके बाद फिर लाहौर मैच जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा पिंडी जाएंगे, फिर पिंडी में कुछ मैचेस हैं और उसके बाद फिर प्लेऑफ और फाइनल मरहला जो है वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेल जाएगा। पीएसएल से जुड़ी मजीद मालूमात, मजीद तफसीलात भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।